सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारे पीछे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और ये जो प्लेस है वो महाराष्ट्र में है, माथेरान में। तो हम बहुत समय से एक जगह देख रहे हैं जहाँ पे हम बैठ के बातें कर सकें और इस बाइक के बारे में हम डिस्कस कर सकें। तो अभी हमारे भाई धर्मा, इनको 3 महीने का समय हो चुका है इस बाइक को लेकर। तो धर्मा, कैसा एक्सपीरियंस? इट्स रियली गुड, अच्छी है, पर कुछ डिफ़िकल्टीज है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में। जी हाँ, तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी ये बाइक प्लान कर रहे हैं या फिर यू नो जिसको पसंद है ये बाइक, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो 3 महीने का ओनरशिप रिव्यू है वो आपको पता चल जाएगा। सो मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने लिस्ट बना के रखी है, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन जो है कि माइलेज। जी हाँ, जो सबका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि माइलेज टेस्ट नहीं किया। सी, ये बाइक मेरी नहीं है तो इसलिए मैं माइलेज टेस्ट नहीं कर पाता, और ये जो बाइक है हमारे भाई डेली यूज़ करते हैं, तो उनका डेली का अप डाउन कितना हो जाता है किलोमीटर्स? अराउंड 45-47 किलोमीटर्स। तो डेली का जो है उनका 45 किलोमीटर्स अराउंड हो जाता है। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि माइलेज कितना है, तो अभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ओनर से ही बात कर लेते कि माइलेज कितना है। तो भाई बता दीजिए माइलेज कितना है और कितनी स्पीड पे कितना माइलेज मिल जाता है? आप पे ऊपर डिपेंड है, अगर आप 40 से 50 तक चला रहे हो सिटी में तो आपको 35 आराम से मिल जाएगा। बट सर, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 250 सीसी की बाइक है, 40 की 45 की स्पीड पे चलाने में मज़ा आता है या फिर यू नो लाइक, जैसे कि मैं अगर मेरे पास अगर 250 तो मैं 40-45 में तो बोर हो जाऊंगा डेफिनेटली। मैं एग्री, पर सिटी में कैसे रहता है ट्रैफिक है मुंबई, यू नो दैट वेरी वेल। लेकिन आपका जो स्ट्रेच है वहाँ पे तो काफ़ी लंबा हाईवे मिल जाता है। हाँ, लंबा मिलता है, जहाँ पे मिलता है वहाँ पे मैं भगाता हूँ। ओके, और जहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ पे तो 40-50 के हिसाब से चलाना पड़ता है, तो मेरे को 35 देती है। अगर इनके जगह मैं सैटरडे को जाता हूँ नॉर्मली, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम रहती है उस दिन, तो टाइम पे मेरे को 32-31 मिल जाता है, क्योंकि मैं तभी मेरा स्पीड रहता है 80 से 90 तक। ओके, जैसे कि अभी आपने देखा कि 80 से 90 की स्पीड पे आप रहते हो तो आपको एवरेज मिलता है 31-32 को। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा एवरेज है, और मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि इसका एवरेज है आपको 31 से लेकर शायद 32, शायद उससे ज़्यादा 37 मैंने बताया था, लेकिन वो कम्प्लीट डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर। अगर आप आराम से चला रहे हो जैसे कि 40-60 की स्पीड में, आई थिंक आपको 37-35 तक भी आपको एवरेज मिल सकता है। तो एक्चुअली मुझे खुद को मिला है 35-36, इसके लिए मैं खुद बोल रहा हूँ, और मैंने कैलकुलेशन किए हैं, क्योंकि मेरा डेली रूटीन है, मेरा अराउंड 1 वे मेरा 45 है, आने के बाद 45 तो 90 किलोमीटर्स होते हैं, तो मेरा डेली रूटीन है, इसके लिए मेरे को 3 महीना हुआ तो मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि 35 दे रही है। अगर आपका स्पीड 40 से लेकर 60 तक है तो, अगर उससे ज़्यादा है तो 31-32 के ही मिलेगा आपको। तो आई थिंक माइलेज के मामले में तो ये बाइक बहुत बढ़िया है, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, तो उसकी जो इसका प्लस पॉइंट हमने इंक्लूड किया था कंसीडरिंग 250 सीसी बाइक और 30 का एवरेज मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और इसके दूसरा सवाल जो है मेरा ये है कि इसका जो मेंटेनेंस है या फिर इसके जो पार्ट्स है उसको लेकर आपका एक्सपीरियंस क्या है? तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ मतलब किसी और बाइक से, तो फिर क्या उसे जो पार्ट्स है कम सस्ते हैं या उससे महंगे? जैसे कि अगर मैं कंसीडर करूँ यामा से, किसी भी यामा बाइक से, यामा ऐसे कंसीडर करोगे तो डेफिनेटली सस्ता ही है। हाँ, बजाज के पार्ट्स मोस्टली आपको सस्ते मिल ही जाते हैं, क्योंकि यामा का मैंने सर्विसिंग और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, मेरे फ्रेंड्स लोगों के पास FZ है, उन्होंने खुद बोला है कि इसके पार्ट्स उससे सस्ती ही है। ओके, तो अभी मेरे यहाँ पे तीसरा सवाल ये आता है कि मेरे दोस्तों को भी ये इशू आ रहा था कि आप जब सीधे जा रहे हो तो पता नहीं क्यों बाइक तो है एक तरफ खींचने लग जाती है, तो क्या ये आपके साथ भी ऐसा हुआ था? स्टार्टिंग में हुआ था मेरे साथ, पहली सर्विसिंग के बाद मेरे को अच्छा कर दें उनको, मैंने बोला था मेरे को यही प्रॉब्लम है, एक्चुअली उन्होंने पूछा था फर्स्ट सर्विसिंग टाइम पर कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो मैंने सब डिस्क्राइब कर दिया था, मेरे को हैंडल का प्रॉब्लम था, पीछे वाला ब्रेक का भी प्रॉब्लम था थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत वो जो आवाज़ कर रहा था उसका क्या है? उसका भी हो गया, क्या था एग्जैक्टली? एक्चुअली वो चेन का प्रॉब्लम था, चेन पॉकेट का प्रॉब्लम था, चेन पॉकेट का इशू था, बाकी कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने सब रेक्टिफाई करके मेरे को दे दिया मेंटेनेंस में, अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है, अभी मेरे 4000 किलोमीटर हुआ है अभी तक तो मेरे कुछ दिक्कत नहीं दे रही, अभी बाद में देखेंगे क्या होता है लेट्स से, अब तो सिर्फ 3 ही महीने हुए। मेरा चौथा सवाल ये है कि क्या इस बाइक में आपको वाइब्रेशन फील होता है या फिर और कोई इशू आपको अभी फील हो रहा है? हाँ, मेरे को अभी फील हो रहा है कि मेरे फुट पैंट को ना थोड़ा वाइब्रेशन थोड़ा फील होता है जब भी चलाने के बाद। 70-80 तक चला तो अभी मेरे को थोड़ा वाइब्रेशन का फील होता है, पर इतना नहीं, पर होता है, वो नॉर्मली मे भी रह सकता है, पर मेरे को फील होता है। और दूसरी चीज़ है कि मेन मेरा फ्रंट हेडलाइट है ना, उसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है रेनी सीजन में, पहले नहीं आता था, तो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मे भी कुछ डिफिकल्ट कुछ मैनुअली एरर के ह्यूमन एरर बोल सकते हैं उसको, थोड़ा मॉइस्चर आ रहे हैं, तो मेरे को अभी मेरा सेकंड सर्विसिंग है, उसके बाद मैं बताऊंगा उनको भी ये प्रॉब्लम है, अगर उन लोगों ने सॉल्व कर दिया तो आपको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि ये सॉल्व हो गया करके, बाकी इसमें कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं है।
और हाँ, जैसे कि मैंने राइड किया था, जब मैं पीछे इनके राइड करा था, मुझे लगा था कि इनका जो रेयर व्यू मिरर है उससे विजिबिलिटी इतनी अच्छी है नहीं। हाँ। मुझे ऐसे मैं नोटिस किया था क्योंकि मैं जब भी इनके पीछे राइड करा था। तो आप ही बता दीजिए क्या इशू आ रहा है। एक्चुअली कैसा है, अपने हाइट 5. मेरी हाइट 5.11 है, तो मैं जब भी मेरे को पीछे देखना पड़ता था थोड़ा झुकना पड़ता है। उसके तो इसको एडजस्ट कर सकते हो ना? हाँ, हम एक्चुअली मैंने सब एडजस्ट करके ट्राई कर चुका हूँ मैं मेरी हाइट की वजह से, पर थोड़ा बहुत तो ब्लाइंड रहता ही है स्पॉट। समटाइम्स ऐसा हैपन होता है मेरे सिटी में, मेरा हुआ है। लेकिन मैंने जो नोटिस किया ना, जैसे कि मोस्टली जैसे कि आज आपने जो पहना था विंडशीटर, तो उसकी वजह से ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है इसका। हाँ। और ब्लाइंड स्पॉट और बढ़ जाता है। तो अगर आप नॉर्मल कुछ नहीं पहन रहे, हाफ स्लीव्स में, तो मुझे लगता है इतना इशू आएगा नहीं, इतना नहीं आता है, पर थोड़ा बहुत तो ब्लाइंड रहता ही है। एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा बहुत है ब्लाइंड। लेकिन जैकेट के साथ और बढ़ जाता है। हाँ, जैकेट के साथ हवा से रहता है। अगर ओपन रहेगा जैकेट, अगर हवा से भाग रहा है, तो आपको प्रॉब्लम्स हैं पीछे देखने के लिए। इसके लिए थोड़ा केयर करना पड़ेगा, जो भी अगर राइडर है, डोमिनर चला रहा है, तो उसको थोड़ा। अगर कोई भी डोमिनर का राइडर राइड कर रहा है डोमिनर लेके, कोई से भी 250 या 400 रहे, तो थोड़ा बहुत तो ब्लाइंड इशू है पीछे में। उसके लिए भी मैं थोड़ा बात करूंगा सर्विस सेंटर में। अभी मेरा सेकंड सर्विसिंग आ रहा है। लेकिन अभी जो इशू ये जो है ना, इसका जो आपको मिरर चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि इसका बड़ा लगाना पड़ेगा। करेक्ट। तो लेकिन ये इतने ब्यूटीफुल और इतने महंगे, ये वाले तो कॉस्टली है मेरे को लगता है। कुछ पहले वाले तो आई थिंक 400-500 में आ जाते हैं। इसका कॉस्ट अराउंड कुछ बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन ज़्यादा है इसका प्राइस। ठीक है ना, मैंने मिरर साइज में बढ़ा दूंगा। अगर मेरे को हैंडल नहीं चेंज करना है, तो मैं कुछ अदर सोल्यूशन। हैंडल नहीं, आपको ये जो ये एरिया ना, ये पूरा एरिया चेंज करना पड़ेगा, किसी और बाइक का लगाना पड़ेगा अगर आपको इशू आ रहा है तो। अदरवाइज इफ यू ओके देन कंटिन्यू विद द सेम। इतना इशू नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, तो नॉर्मली तो उतना भी बेयर करना पड़ेगा। अगर आपको लंबी राइड करनी है, यहाँ से अगर किधर बाहर जाना है, 700-800 किलोमीटर जाना है, तो डेफिनेटली आपको ये चेंज करना पड़ेगा। और हम लोग फ्यूचर में प्लान ही कर रहे हैं कहाँ पे बाहर जाने का, पर फिलहाल के लिए लॉकडाउन की वजह से वी आर नॉट गोइंग। हम लोग स्मॉल राइड्स कर रहे हैं। माथेरान हुआ, आज तो हम लोग माथेरान में हैं। यहाँ पर आज माथेरान आए हैं, देखते चलते रहेगा अभी क्या है क्या नहीं। आगे की वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कहाँ पे राइड, कहाँ पे जा रहे हो, कहीं नहीं, कुछ अपडेट मिलते रहेंगे आपको। और मैं दूसरा एक सवाल जो कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जो इसका सस्पेंशन है, सस्पेंशन सेटअप जो है, कितना कंफर्टेबल है ऑफ रोड के लिए या फिर ऑफ रोड के लिए? ये बाइक नहीं है एक्चुअली, कम्फर्ट फील नहीं करवाती ऑफ रोड के लिए, क्योंकि इसका ABS स्विच ऑफ नहीं हो सकता है, ये ऑटोमेटिक है। इससे इतना कम्फर्टेबल नहीं फील करता जहाँ पे हम लोग नॉर्मली रोड पे चलाते हैं और ऑफ रोड पे चलाते हैं। ऑफ रोड के लिए तो बनी नहीं है, मतलब ये बाइक जो मैं तो ऐसा कंसिडर करता हूँ कि आप डेली यूज़ कर रहे हो और कभी कभी आप राइड पे भी जाना है, तो इसमें सफिशिएंट पावर है राइड्स के लिए और एक सफिशिएंट आपको एवरेज मिल जाता है जितने की आपकी ज़रूरत है अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो या फिर ऑफिस जाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उस लिहाज से ये बाइक बहुत बढ़िया है। करेक्ट धर्मेश? करेक्ट धर्मा, सॉरी। ठीक है, होते रहता है। एक्चुअली वन इंसिडेंट हुआ था मेरे रेनी सीजन में, आफ्टर बाइक के डिलीवरी के बाद, आफ्टर 1.5 मंथ के बाद टायर फट गया था मेरा। कुछ इंसिडेंट्स हुए थे मालूम नहीं रोड पर, तो थोड़ा फट गया था। उसकी वजह से अभी मैंने कुछ रिकवरी तो मांगी नहीं है कंपनी से, मे बी है क्या नहीं है, मेरे को भी उसका कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं जब भी सेकेंड सर्विसिंग जाऊँगा तो उनको पूछूँगा कि क्या है उसके बारे में। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यूरो ग्रिप करके है टायर पहले पूछा। अगर आप देखोगे वीडियो में तो अच्छे से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो यहाँ पे यूरो ग्रिप है और पीछे का टायर C8 है, आपको दिखेगा नहीं, पर C8 मैंने लगाया एक्सेल उसका। तो जब ये बाइक खरीदी तभी उनको जो इसके साथ जो स्टॉक टायर मिलते हैं वो यूरो ग्रिप के थे। यूरो ग्रिप के थे, जो कि TVS का है शायद ना, या मे बी TVS का, नॉट कंफर्म, पर TVS यूरो का है, यूरो ग्रिप उसका नाम था। अभी जो है पीछे C8 का लगाया क्योंकि तभी वही अवेलेबल था, अर्ली मॉर्निंग इनको ऑफिस भी जाना था, तो हमने जल्दबाजी में पीछे C8 का लगा दिया टायर। तो इन फ्यूचर अगर हमें चेंज करना है तो हम डेफिनेटली विल गो फॉर सम मिशेलिन और समथिंग एल्स, क्योंकि उसका तो ग्रिप वगैरह अच्छा होता है। देखिए कौन सा टायर हम पीछे बिठाएंगे कि जब राइड होगी तो वो सारे चेंजेस करने का एक सेंस बनता है। फिर पिलियन का क्या है, पिलियन को कंफर्टेबल लग रहा है? हाँ, तो किसको देखा है? हाँ एक्चुअली मेरे सिर्फ इतना यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सीट्स ऊपर होने की वजह से थोड़ा पीछे पड़ने का थोड़ा डर रहता है किसी को भी। इवन मेरे बेटा हूँ, मेरे भाई ने मेरी बाइक चलाई थी, उसके बाद मैं पीछे बैठ के उसके साथ देख रहा था राइड करके, तो उतना कम्फर्ट नहीं लगा। उसके लिए अपने को बैक रेस्ट लगाना ही पड़ेगा। हाँ अभी बैक रेस्ट तो आपको मिल जाते हैं बहुत सारे कंपनीज के, शायद आई थिंक जाना बना लेता है या फिर मुंबई में कौन है सह्याद्री, आई थिंक थाने में जो सह्याद्री है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं और देखेंगे वहाँ पे अगर हमारा काम बन गया तो। मॉडिफिकेशन तो डेफिनेटली करूँगा इस पर। हाँ मॉडिफिकेशन मतलब अकॉर्डिंग टू कम्फर्ट और नो यूटिलिटी के हिसाब से।
जहाँ पे जब भी होगा इसको विंडस्क्रीन ये सब लगाना है, तो बने रही है ताकि आपको पता चले क्या क्या होने वाला है इस बाइक में चेंजेस। अभी तो फिलहाल कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते अभी और राइड भी नहीं होने वाली है, तो अभी लगा के मतलब कोई फ़ायदा लग रहा नहीं। तो और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्रैश गार्ड आएगा, सैडल स्टे आएगा पीछे, तो ये सारी चीज़ें आने वाली है, तो बने रहिएगा। और इस डोमिनार का जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो आपको इस चैनल पर देखने मिलेगा। और कोई बात रहती तो बताइए। कुछ नहीं, बस इतना ही। और कुछ रहेगा तो आपको सेकंड सर्विसिंग के बाद आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको भी और कोई डाउट है इस बाइक को लेके तो मुझे पूछिएगा, कि हम तो यूजुअली साथ में राइड करते रहते हैं, तो साथ ही साथ जो है वो आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको हमारा जो व्लॉग है जो भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।